नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम राजस्थान लोक नृत्य को दोस्तों पढ़ रहे हैं। कल के क्लास के अंदर हमने राजस्थान के दो प्रकार के लोक नृत्य यानी जातीय विशेष और आपके जनजातीय विशेष नृत्यों के बारे में डिस्कशन कर लिया था। आज ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि आज के क्लास के अंदर हम व्यावसायिक नृत्य और क्षेत्र विशेष नृत्यों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है आज की क्लास। वन लाइनर सीधे सीधा ऊपर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जितना करवा दिया जाए आप उतना अगर पढ़ लेते हो तो एक क्वेश्चन भी दोस्तों आपका राजस्थान पटवार LDC जहाँ पर भी राजस्थान GK पूछा जाता है वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे साथ अगर जुड़े नहीं हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को भी दोस्तों प्रेस कीजिए। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। कल हमने जातीय नृत्यों के बारे में पढ़ा था और जनजातीय नृत्य। आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले व्यावसायिक नृत्य। कौन से व्यावसायिक नृत्य? ठीक है, नृत्य यानी ऐसा नृत्य जिसे कर पैसा कमाया जाता है वो व्यावसायिक नृत्य में दोस्तों आता है। इसमें सबसे पहला जो नृत्य दोस्तों वो है भवाई नृत्य। भवाई नृत्य कौन सा आता है? भवाई नृत्य यानी इस नृत्य को कौन करते हैं? मेवाड़ के अंदर भवाई जाति के लोग दोस्तों करते हैं। तो कहां पे किया जाता है दोस्तों? मेवाड़ में उदयपुर संभाग का प्रसिद्ध नृत्य दोस्तों है। कौन सा? भवाई नृत्य उदयपुर संभाग में दोस्तों किया जाता है। अभी दूसरी बात मैंने बोली कि भवाई जाति के लोग इस नृत्य को दोस्तों करते हैं, जो कि उदयपुर समाज का प्रसिद्ध नृत्य है मेवाड़ के अंदर। कैसे करते हैं ये नृत्य? सिर पर बहुत सारे घड़े रखकर दोस्तों ये नृत्य किया जाता है। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है कि सिर पर बहुत सारे घड़े रखकर ये नृत्य दोस्तों किया जाता है। ये बात पूरी होगी। अब एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि इससे रिलेटेड एक प्रश्न और पूछेगा कि प्रसिद्ध नृत्यकार कौन है इसका, कि प्रसिद्ध नृत्यकार पूछा जाएगा। कई बार पूछा गया तो आपको ध्यान रखना है रूप सिंह शेखावत। ठीक है, ये भवाई नृत्य के प्रसिद्ध नृत्यकार है। बस इतनी बात आपको भवाई नृत्य से ध्यान रखनी है। मेवाड़ के अंदर उदयपुर संभाग का प्रसिद्ध नृत्य है, भवाई जाति के लोग करते हैं सिर पर बहुत सारे घड़े रखकर, और प्रसिद्ध नृत्यकार जो है रूप सिंह शेखावत है। तो यानी ये वो नृत्य है जिसे नृत्य दिखाकर पैसा कमाया जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब दोस्तों दूसरा जो नृत्य व्यवसाय वो है तेरह ताली नृत्य। कौन सा? जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तेरह ताली नृत्य। सबसे पहला प्रश्न कहां पे किया जाता है? तो ध्यान रखना है ये पाली के अंदर नागौर और जैसलमेर क्षेत्र में दोस्तों ये किया, मिश्रित युगल में किया जाता है। किस में किया जाता है? मिश्रित युगल के अंदर दोस्तों किया जाता है। पहला तो ये प्रश्न पूछ सकते हो तेरह ताली नृत्य। दूसरे दोस्तों इस नृत्य को कौन करते हैं? कौन सी जाति करती है? कामड़ जाति की महिलाएं बाबा रामदेव की आराधना में 13 मंजीरों के साथ दोस्तों ये नृत्य किया जाता है, इसलिए इसे तेरह ताली नृत्य दोस्तों बोला जाता है। ठीक बात है। कौन करते हैं? कामड़ जाति की महिलाएं करती हैं। बाबा रामदेव जी की आराधना में किया जाता है 13 मंजीरों के साथ, इसलिए तेरह ताली नृत्य से बोलते हैं। एक और प्रश्न पूछा जाता है कि प्रसिद्ध नृत्यकार नृत्यांगना या नृत्यकार? ठीक है, नृत्यकार तो आपको दो याद रखने, एक तो मांगी बाई है
मांगे बाई, और दूसरा है लक्ष्मण दास, लक्ष्मण कम्मड़, लक्ष्मण दास कम्मड़। ठीक है, ये प्रसिद्ध नृत्यकार है मांगे बाई और लक्ष्मण दास कम्मड़। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका तेरह ताली नृत्य हो गया। अब दोस्तों एक नृत्य और आता है, वो आता है आपका कच्ची घोड़ी नृत्य, घोड़ी नृत्य। ये एक व्यवसायिक नृत्य जिससे पैसा कमाया जाता है। इसको दोस्तों कौन करते हैं, घोड़ी बांधकर कमर के अंदर पुरुष करते हैं, और कहां पे किया जाता है, सेखावाटी के अंदर, सेखावाटी में किया जाता है, और विवाह के अवसर पर दोस्तों ये नृत्य किया जाता है, विवाह के अवसर पर दोस्तों ये नृत्य किया जाता है। तो ये आपके व्यवसायिक नृत्य दोस्तों पूरे हो गए हैं। ये तीन ही प्रकार के नृत्य मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां से प्रश्न पूछा जाता है, एक तो आपका भवाई नृत्य, फिर ये तेरह ताली नृत्य और कच्ची घोड़ी नृत्य, तीनों के कई बार प्रश्न बार बार रिपीटेड होते हैं, तो ये तीनों आपको ध्यान में रखने और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपका व्यावसायिक नृत्य पूरा हो गया है, इससे ज़्यादा एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, आप पीछे के पेपर उठाकर देख सकते हैं। अब दोस्तों लास्ट और फाइनल जो बचा है वो है क्षेत्र विशेष नृत्य, तो उनको हम पढ़ते हैं। अब दोस्तों हम क्षेत्रीय विशेष नृत्य देखते हैं बारी बारी से। कुछ नृत्य मैंने लिखे हैं क्षेत्रीय विशेष नृत्य, और कुछ और भी नृत्य हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले घूमर नृत्य के बारे में, नाम तो सुना होगा घूमर नृत्य, तो काफ़ी सुना सुना सा नाम लगता है, तो इसका मतलब ये विशेष नृत्य है। तो ये नृत्य दोस्तों मारवाड़ क्षेत्र में किया जाता है, कहाँ किया जाता है, मारवाड़ क्षेत्र के अंदर, ध्यान करना कहाँ किया जाएगा, मारवाड़ क्षेत्र में। कौन करेगी इस नृत्य को, स्त्रियाँ, क्योंकि घूमती इस नृत्य के स्त्रियाँ करती है। और इस नृत्य को दोस्तों राज नृत्य भी कहते हैं, क्योंकि विशेष है, राज नृत्य भी दोस्तों इसको बोला जाता है, राज नृत्य कह सकते हैं, या इसको दोस्तों हम क्या कह सकते हैं, लोक नृत्यों की आत्मा भी दोस्तों इसको बोला जाता है। तो विशेष कर याद रखना, लोक नृत्य की आत्मा कौन सा नृत्य है, घूमर नृत्य। क्या विशेष है, मारवाड़ क्षेत्र में किया जाता है, स्त्रियों के द्वारा होता है घूमर नृत्य। आपने देखा घूमर घालना राजस्थान का राज नृत्य इसे दोस्तों बोलते हैं, क्योंकि विशेष नृत्य है, और लोक नृत्यों को दोस्तों इसे आत्मा भी बोला जाता है, तो काफ़ी विशेष है। उसके बाद में डांडिया, ये भी दोस्तों मारवाड़ क्षेत्र में किया जाता है, मारवाड़ क्षेत्र में किया जाता है, और होली के बाद किया जाता है, होली के बाद करते हैं, और कौन करते हैं, पुरुषों के द्वारा दोस्तों ये नृत्य किया जाता है। तो याद रह जाएगा डांडिया तो आपको समझ में आ गया कैसे करते हैं डांडिया नृत्य, है ना, और मारवाड़ क्षेत्र में होली के बाद भी पुरुषों द्वारा, ये सांझी इसे कौन करती हैं, स्त्रियाँ करती हैं, और ये भी मारवाड़ क्षेत्र में दोस्तों किया जाता है, मारवाड़ क्षेत्र में किया जाता है। और कैसे किया जाता है, मटकों के ऊपर, जो मटके होते हैं ना पानी के, मटकों के ऊपर छेद कर समूह में नृत्य करती हैं स्त्रियां, समूह में नृत्य किया जाता है, उसे सांझी नृत्य दोस्तों बोलते हैं। मारवाड़ क्षेत्र का नृत्य है, स्त्रियां करती हैं, मटकों के ऊपर छेद करके समूह में दोस्तों नृत्य किया जाता है। ये तो आपको समझ में आ गया, कहाँ खेली जाती है, मेवाड़ के अंदर, और मेवाड़ में प्रश्न पूछ ले तो बाड़मेर का दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। होली के दौरान दोस्तों ये पुरुषों के द्वारा गेर खेली जाती है। ठीक है, गीदड़ चंग ठप, नाम सुनते ही सेखावाटी क्षेत्र याद आता होगा, सेखावाटी क्षेत्र में ये नृत्य होता है पुरुषों के द्वारा, और होली के दौरान ही दोस्तों ये नृत्य होते हैं। तो ये कुछ क्षेत्र विशेष नृत्य हैं, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अभी कुछ और नृत्यों की हम दोस्तों बात करते हैं। अब दोस्तों कुछ और नृत्यों के बारे में बात करते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो कि बम नृत्य कई बार पूछा गया है, तो बम नृत्य दोस्तों कहाँ किया जाता है, अलवर भरतपुर में फेमस नृत्य है, अलवर भरतपुर के अंदर, कहाँ पर, अलवर भरतपुर में दोस्तों ये नृत्य किया जाता है। अब इसके अंदर बम गिराना नहीं होता, कौन करता है, पुरुष करता है। कब करते हैं, ये भी विशेष बात है, होली के दौरान या फसल आने पर दोस्तों ये नृत्य किया जाता है, फसल आने पर दोस्तों ये नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य, बम नृत्य, जो कि अलवर भरतपुर में किया जाता है, पुरुषों के द्वारा होता है, होली या फसल आने पर दोस्तों नृत्य किया जाता है। लांगुरिया नाम है, कहाँ पर है, करौली के अंदर दोस्तों ये नृत्य के, और इससे संबंधित है केला देवी माता के से संबंधित है। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, इसमें स्त्री और पुरुष दोनों ही नृत्य को करते हैं। ठीक है, लांगुरिया किसका स्वरूप है, ये हनुमान जी का स्वरूप है दोस्तों, किसका स्वरूप है, हनुमान जी का स्वरूप है।
हनुमान जी का स्वरूप है। डांग नृत्य, दोस्तों डांग नृत्य नाथ द्वारा राज संबंध में किया जाता है, नाथ द्वारा राज संबंध में दोस्तों किया जाता है, और कब? होली के दौरान, होली के अवसर पर दोस्तों ये नृत्य होता है, और स्त्री पुरुष दोनों इस नृत्य को दोस्तों करते हैं। ढोल नृत्य, दोस्तों जालौर का फेमस नृत्य है, और पुरुष इस नृत्य को करते हैं, और विवाह के अवसर पर दोस्तों ये नृत्य होता है। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखनी है, आराम आराम से दोस्तों आपके याद हो जाएंगे, ठीक है। अब कुछ एक आध और नृत्य बचे हैं जो कि क्षेत्रीय विशेष है, उनसे भी प्रश्न बन सकते हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। अंतिम जो नृत्य है वो आपके सामने है दोस्तों, बस इतनी ही नृत्य आपको ध्यान में रखने, क्षेत्रीय विशेष बिंदोरी नृत्य काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिंदोरी नृत्य बिंदोरी निकाली जाती है, तो ये दोस्तों होली, ये झालावाड़ में है, और होली या विवाह के अवसर पर दोस्तों ये नृत्य किया जाता है, जो कि गैर नृत्य के समान दोस्तों है, ध्यान में रखना। बिंदोरी नृत्य कहाँ पर है? झालावाड़ में है, होली या विवाह के अवसर पर दोस्तों ये किया जाता है। और किस नृत्य के समान है ये प्रश्न पूछ ले तो ये दोस्तों गैर नृत्य के समान है। गैर जो नृत्य है, गैर नृत्य मेवाड़ क्षेत्र में खेला जाता है, वो गैर नृत्य के समान खेला जाता है, ठीक है। घोड़दला नृत्य काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मारवाड़ जोधपुर के अंदर फेमस है, और ये कहाँ पर किया जाता है? होली के अवसर पर दोस्तों ये किया जाता है, होली के अवसर पर, ठीक है। खारी नृत्य मेवात अलवर में फेमस है, दुल्हन की जब विदाई होती है ना, दुल्हन की विदाई के दौरान दोस्तों ये किया जाता है, विदाई के दौरान ये नृत्य दोस्तों किया जाता है। भैरव नृत्य ब्यावर के अंदर फेमस है, इंपॉर्टेंट है, बादशाह बीरबल, बादशाह कौन था? बीरबल की सवारी निकाल जाती है, बीरबल, ठीक है, बीरबल की सवारी निकाली जाती है इस नृत्य के दौरान। लुम्बन नृत्य दोस्तों जालौर में, सर ये भी होली के अवसर पर दोस्तों किया जाता है। तो ये कुछ नृत्य थे क्षेत्रीय विशेष दोस्तों, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से मैं आपको समझा पाया। दोस्तों इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिए अच्छे से। इससे बाहर नृत्य अगर पूछा जाता है, सॉरी अगर लोक नृत्य का क्वेश्चन पूछा जाता है तो इससे बाहर नहीं जाएगा। मैंने चार प्रकार के लोक नृत्यों के बारे में डिस्कशन कर लिया है बहुत ही अच्छे तरीके से। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छी क्लास रही होगी आज की। कोई भी डाउट लगे तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, बाकी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे भी आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, रिलेटेड एग्जाम जो भी आपका फर्स्ट होगा। चलिए मिलते हैं फिर, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।